फ्रेंड्स, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विंडोज 10 पीसी में क्विक एक्सेस हिस्ट्री को कैसे डिलीट करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपना जिस पीसी या माई कंप्यूटर ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद टॉप लेफ्ट साइड में फाइल है, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, जस्ट उसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन फाइल एक्सप्लोरर 2, बाय डिफॉल्ट दिस पीसी रहता है। तो आप यहां से उस पर क्लिक करके क्विक एक्सेस सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद प्राइवेसी में जो भी आपके दो बॉक्स हैं, शो रिसेंटली यूज फाइल इन क्विक एक्सेस, शो फ्रिक्वेंटली एंड यूज फोल्डर इन क्विक एक्सेस, दोनों को चेक कीजिए। चेक करने के बाद जस्ट क्लियर पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कीजिए और उसके बाद ओके पे क्लिक कीजिए। आपके जो भी क्विक एक्सेस आप जो भी हिस्ट्री है वो इसी तरह आप इजीली विंडोज 10 पीसी में क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे रेड बॉक्स में सब्सक्राइब का बटन है। अगर आप ई हिंदी उर्दू चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करें हैं तो प्लीज़ ई हिंदी उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए थैंक यू वेरी मच।